नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने होटलों और रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि पर्यटन सीजन में ट्रैफिक को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो गई है, जिसमें हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से ट्रैफिक समस्या को लेकर तलब किया था। इसके बाद से डीएम ने होटलों में पार्किंग और रजिस्ट्रेशन से लेकर होटलों के मालिक से अहम जानकारी मांगी और वहीं होटल मालिकों को आदेश दिए कि जल्द ही होटलों के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की जाए। हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में एक्चुअली ये किया जा रहा है। डीएम साहब ने दो समिति बनाई है। पहली समिति एडीएम साहब की अध्यक्षता में जो पार्किंग के इशू को चेक कर रही है होटल्स के अंदर, और दूसरी समिति एसडीएम नैनीताल की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें बाकी डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स को भी रखा है। वो रजिस्ट्रेशन वाले इशू को चेक कर रही है कि इफ देर आर सम होटल्स जो रजिस्टर्ड नहीं है अलग अलग एक्ट्स के अंतर्गत, तो इस तरह के कोई होटल चल रहे हैं, तो वी आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन फॉर नेसेसरी एक्शन। अभी पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाने दीजिए, अभी तो ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम जो है शुरू किया गया है, तो जो भी अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई होगी वो जब की जाएगी। हाईकोर्ट के बाद जिला प्रशासन जिस तरह से हरकत में दिख रहा है, उससे लगता है कि जिले को ट्रैफिक मुक्त कर दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से भूपेंद्र रावत की रिपोर्ट।